नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। पुलिस डिपार्टमेंट रोज तरह तरह के गुनाह और गुनहगारों को हैंडल करता है। लूट, चोरी, हेरा फेरी, खून, रेप, इस तरह के सभी मामलों को सुलझाता है। आज का ये केस भी ऐसा ही है। बर्बरता और वहशीपन से भरी एक ऐसी संगीन वारदात जिसे देखकर शायद इंसानियत से विश्वास उठ जाए। तुम हमेशा मुझे पहचान लेती हो। हाँ, तुम्हारा परफ्यूम। गरिमा, यू नो, अब मुझे ऐसे रोज रोज थोड़ा थोड़ा मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी शेखर? ऐसे अचानक? गरिमा, हम एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं, प्यार भी करते हैं, और एक ना एक दिन तो शादी करेंगे ही ना, तो क्यों ना अभी कर लेते हैं। शेखर, ये बहुत बड़ा फैसला है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। तुम अच्छे से सोच समझ के फैसला करना, पर हाँ, जवाब हाँ में ही होना चाहिए, ठीक है? चिंटू, दुपट्टा छोड़ मेरा, ऐसी लड़कियों का दुपट्टे नहीं पकड़ते। मुझे तुझसे कुछ कहना है। पहले दुपट्टा छोड़। हाँ गरिमा, आई लाइक यू। चिंटू, वोट में घसड़ूंगा तब पता चलेगा। मजाक बना करके रखा है सब। क्या हुआ? सिद्धार्थ और सीमा को दुकान किराए पर देकर के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज बात करने के लिए गया तो दुकान खाली नहीं कर रहे थे, चाकू दिखा रहा था मारने के लिए। क्या? मम्मी, पापा, एक गुड न्यूज है। क्या? शेखर ने मुझे आज शादी के लिए प्रपोज किया। तूने हाँ तो नहीं किया ना? नहीं पापा, अब तक तो नहीं, पर हाँ कहने वाली हूँ। सीमा, तुझे उससे अच्छा लड़का मिल सकता है। नहीं पापा, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं शेखर से ही शादी करूंगी। गरिमा कितनी भोली है। आप टेंशन मत लीजिए। अरे शेखर कोई उससे प्यार व्यार नहीं करता है, उसकी नजर सिर्फ हमारे बिजनेस और पैसे पर। अरे मैं समझती हूँ, बड़ा घर होने से क्या होता है, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, और ये मटेरियलिस्टिक चीजें तो आती जाती रहती है। सुकून इनसे नहीं मिलता है, सुकून सच्चे प्यार और भरोसे से मिलता है। अच्छा चल, अभी अब्बू आते ही होंगे, उनके लिए बिना नमक मसाले का खाना बनाना पड़ता है, डॉक्टर की सुननी पड़ती है। हाँ बाय। समोसे? वो भी घेरे ना के? हाँ मेरी बहना, सिर्फ तेरे लिए। ये क्या हालत बनाकर रखी है गरिमा? हाँ तू पिछली बार पार्लर कब गई थी? अपने हस्बैंड को खुश रखना हो ना, तो लड़कियों का ना खूबसूरत लगना बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ बाबा आ रही हूँ। गरिमा, रोशन इज हियर। हाय, कितना क्यूट बंदा है। गाड़ी की टंकी फुल करवा के आए, अब हम जाएंगे यू लॉन्ग ड्राइव पे। एक ना, तू ना मम्मी और पापा को ना कोई अच्छा सा बहाना चिपका देना, ठीक है? और पार्लर की अपॉइंटमेंट बुक रही, पार्लर जाना ना भूलना मेरी प्यारी बहना। ओके बाय 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 बाय।
देख पा रही। चल ना बात करते हैं। अरे अरे दीजिए ना आंटी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, छुड़ी ना। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। अरे आंटी पल्लू खुला रखा करो, ज्यादा सुंदर लगोगी। इतना थक गई होगी ना, पसीना पसीना हो गया, लाइए पसीना साफ। बदतमीज। अरे आंटी क्या हो गया? हम के दीवाने आंटी, और आप ऐसे भाग रहे हो। देखिए हम जानते हैं कि अंकल से कुछ होने नहीं वाला, पर हम है ना, हमसे दोस्ती कर लो, ऐशी ऐश करेंगे, बहुत खुश रखेंगे आंटी आपको। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे तुम्हारी उम्र की बेटियां है मेरी। अरे क्या प्री, प्री, क्या बात है आंटी, तो आपसे और आपकी बेटी से दोनों से दोस्ती कर लेंगे, फिर तो दिक्कत नहीं है ना आपको। बदतमीज, आइंदा से ऐसी बदतमीजी की ना तो मार मार के भरता बना दूंगी तुम्हारा। मुझे थप्पड़ मारा। ये रहा तुम्हारा स्टैंड। अच्छा पापा इसको लगा दो ना। हाँ। लग गया। अच्छा अभी आप जाओ। हर एक की लाइफ में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां हमें हमारी गलतियां घाव कस्में वादे भूलकर आगे बढ़ना होता है। आज मैं भी ये करने जा रही हूँ, अपने इस नए लुक के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मम्मी पापा देखे कौन है? पापा बहुत ही ब्रूटली मारा है सर। दादाजी मिलिंद सैनी आज सुबह गांव से आए, सबसे पहले इन्होंने ही देखा था सर। सिंह ले जाओ इन्हें। सीसीटीवी चेक किया? कोई सीसीटीवी नहीं है सर, ना घर में ना मोहल्ले में। उन सुबह मतलब मर्डर 10 से 12 घंटा पहले हो चुका है। कोई फोर्स एंट्री? नहीं सर, कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई। इसका मतलब जरूर कोई जान पहचान वाला हो सकता है, और दरवाजा इनमें से किसी ने खोला होगा, शायद इन्होंने, इसीलिए अपराधी ने सबसे पहला हमला इन पर किया। उसके बाद ये बेटी यहाँ से आई हो सकती है, इसलिए हमला इन पर किया, और माँ शायद यहाँ से आई होगी, फिर उसने माँ पर हमला किया होगा, और कपड़ों की हालत देख के ऐसा लगता है कि उसने माँ बेटी दोनों के साथ रेप किया होगा, और जिस तरीके से ये खून फैला हुआ है लगता है बाप ने उठने की कोशिश की होगी लेकिन उठ नहीं पाया होगा, लेकिन फिर भी माँ बेटी को बचाने के लिए उसने अपने आप को घसीटा होगा यहाँ तक, फिर यहीं पर ढेर हो गया, और बाद में शायद अपराधी ने माँ बेटी दोनों को मार डाला होगा। बेचारे को अपनी बीवी और बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ा होगा, और फिर वो कातिल ने बाप को मार डाला होगा। लेकिन सर इतना सब कुछ देख के लगता नहीं कि ये सब एक आदमी ने किया होगा। शायद ये भी हो सकता है, देर रात को मर्डर हुआ है तो आस पड़ोस के लोग तो सोए होंगे, लेकिन वॉचमैन तो जागा ही होगा ना। सर बंगले में कोई वॉचमैन नहीं था, एक वॉचमैन ने कॉलोनी का उसे बुलाया। श्रीवास्तव यहाँ से कोई खास चीज बरामद हुई?
हथियार वगैरह? नहीं सर, सिर्फ ये मोबाइल। लेकिन इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, रिचार्ज करके हमें डेटा रिट्रीव करना होगा, शायद कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाए। जोशी जी। सर, सर ये चॉकलेट का रेफर मिला है। जोशी श्रीवास्तव। सर पंचनामा तैयार करो और बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर ये रहा वॉचमैन। कल रात तुम ड्यूटी पे थे? जी साहब। यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? कोई चीख पुकार नहीं सुनी? नहीं साहब, मैंने कोई भी आवाज नहीं सुनी। अंदर से बाहर या बाहर से अंदर किसी को आते जाते देखा था? साहब मैं तो उधर मेन गेट पे रहता हूँ, मैंने किसी को नहीं दिखाते हुए। इस परिवार को तो अच्छे से जान लोगे तो? हाँ साहब, साहब का अपना कारोबार है और मैडम जी घर संभालती है और गरिमा दीदी वकील है। ठीक है जाओ तुम। गरिमा, गरिमा, गरिमा! हाय विक्की। रजिया ऐसा क्या अर्जेंट काम था? विक्की मैं मेरिट लिस्ट में आई हूँ। अरे तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर इतना टेंशन में क्यों? पर फिर भी मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। मैनेजमेंट पैसे लेकर कम परसेंटेज वालों को एडमिशन दे रही है। तुम उन्हें पर्सनली जानते हो ना, प्लीज मेरी हेल्प करोगे? अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। ओके थैंक यू सो मच, यू आर माई ट्रूली बेस्ट फ्रेंड। मैंने बॉडीज देखी है, बहुत ही बर्बरता से मारा है, जख्म बहुत गहरे हैं, किसी हेवी मेटल से मारा गया है। इनिशियल तौर पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि दोनों लेडीज के साथ रेप हुआ है। बाकी सारी चीजें तो मैं पोस्टमार्टम के बाद ही बता सकता हूं। नो प्लीज एक्सक्यूज मी। गरिमा दादाजी। सॉरी फॉर लॉस। आपको क्या लगता है किसने किया होगा ये? सैनी परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, मेरे ससुराल वाले बहुत भले लोग हैं, आई मीन थे, अपने काम से काम रखते थे और सबसे अच्छे रिश्ते थे उनके। चिराग या गरिमा के प्रोफेशन की वजह से किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर हमारी बिजनेस या कामकाज से रिलेटेड कभी कोई खास बात होती नहीं थी, शायद सारिका को कुछ पता हो। सर जिस बर्बरता से मां और बेटी दोनों का रेप किया गया है, गहरे घाव देके मारा गया है, उसे तो साफ जाहिर होता है कि अपराधी उनसे सख्त नफरत करता था, तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। सर इस नफरत की वजह प्रोफेशनल भी हो सकती है। फिलहाल दोनों ऑप्शन ओपन लगते हैं। जी सर, मैं ही चिराग सर की मैनेजर हूँ, आई मीन थी। चिराग सैनी जी का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था उनका, या किसी ने उनको धमकाया था? जी सर, चिराग सर ने अपना गाला किराए पर दिया था सिद्धार्थ और सीमा को। वो लोग वहाँ पर एक स्टूडियो चलाते थे, लीज खत्म हो गई पर वो लोग खाली करने को तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर चिराग सर और सिद्धार्थ में काफी बहस हुई, चिराग सर को धमकाया भी सिद्धार्थ ने। चिराग सर इस बात को लेकर कोर्ट जाने वाले थे। एक बात बताइए, आपकी इस जगह की लीज खत्म हो गई थी, फिर भी आपने ये जगह खाली करने से मना कर रखा था, ऊपर से आपने उसे धमकी भी दी थी, ऐसा क्यों? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच ऐसी कोई कहासुनी नहीं हुई, उल्टा वो तो लीज बढ़ाना चाहते थे, हमारी तो बात भी हुई थी इसको लेकर। इस बात का कोई प्रूफ है आपके पास? अब सर वो ही नहीं रहे तो कहां से लाए प्रूफ? थैंक यू। अच्छा हुआ तूने झगड़े की बात नहीं बताई, वरना तू भी ऊपर पहुंच जाती। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जल्दी क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे। आप इस हादसे के बारे में हमसे कुछ शेयर करना चाहती है तो? कल ही माँ का फोन आया था, माँ बहुत परेशान थी। सारिका मैं जब घर आ रही थी तब तीन चार लड़कों ने मेरा रास्ता रोक लिया था और मेरे साथ बदतमीजी की थी। क्या, कौन थे वो लोग? अरे वही जो नुक्कड़ पे बाइक पे बैठे रहते हैं ना। तो माँ आवाज लगा देती, किसी से मदद मांग लेती। लेकिन बेटा मैं किसको आवाज देती, आस पास कोई था ही नहीं। लेकिन मैंने भी उनको कस के थप्पड़ मार दिया। मुझे तो लगता है कि उन्हीं लड़कों ने माँ पापा और गरिमा के साथ। सर
पता लगाओ कौन थे वो लड़के। ये छोटू रुक, अंदर कहाँ जा रहे? साहब चाय नहीं पीते? साहब चाय बेचने नहीं आया हूँ। तो आप बोलो। साहब ने उस दिन पार्लर चाय देने गया था तो वो मैडम है ना जिसका मर्डर हो गया, वो आई थी वापस। अब बेचारी को दिखाई नहीं देता ना, वो पार्लर में काम करने वाला आलोक उसे बहुत गंदी नज़र से देख रहा था और बहुत गंदी तरीके से छू रहा था साहब उसको। अब वो मैडम पार्लर से जैसे ही गई ना, आलोक भी उसके पीछे पीछे चला गया। हाँ जी सर, क्या हुआ? तू गरिमा का पीछा कर रहा था ना? नहीं सर, जब गरिमा तेरे सलून से गई तू भी उसके पीछे गया था। सबूत है हमारे पास। सर वो अपनी चाबी भूल गई थी, मैं वही देने गया था उसे। चाबी देने घंटों लग जाते हैं, हाँ? उसके पीछे पीछे उसके घर तक गया, फिर क्या किया? सर चाबी देने के बाद मैं अपने घर चला गया था, भला मैं गरिमा का पीछा क्यों करूंगा? ताकि देर रात उसके घर जाकर उसका रेप कर सके और उसे मार सके। नहीं सर, मैं उसके घर नहीं गया। ये ऐसे नहीं मानेगा, ले चलो इसे और इसका डीएनए टेस्ट करवा। चल सर, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। सारिका जी, आप लोग बैठिए बैठिए, प्लीज प्लीज कहिए। सर मुझे आपसे बात करनी थी। प्लीज। उन तीन आवारा लड़कों के अलावा मुझे विराज पे भी शक है, वो गरिमा से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये विराज कौन है? गरिमा का एक्स हस्बैंड। गरिमा शादीशुदा थी? जी, पर उसका डिवोर्स हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली विराज जैसा बदतमीज हस्बैंड उसे मिला। गरिमा, डिवोर्स देगी मुझको? हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझ पे केस करने की? विराज, एक मिनट। बीवी है मेरी और बीवी बन के रहे औकात में, समझ में आ रही है? मैं तेरा वो हाल करूंगा। पहचान नहीं पाएगी खुद को। डिवोर्स की वजह से विराज को काफी नुकसान हुआ था, इसीलिए वो गरिमा से नफरत करता था। विराज बहुत ही घटिया आदमी है सब, मुझे तो लगता है कि उसी ने माँ और गरिमा के साथ। सर विराज से कांटेक्ट हो गया, वो कल मिलने आएगा। आज क्यों नहीं? सर वो पास के ही शहर के सेशन कोर्ट में वकालत करता है, आज बिजी है, वो कल आएगा। सर गरिमा के मोबाइल से डाटा डिलीट हो गया। एक बात तो तय हो गई कि अपराधी एक ही है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। सर मीनाल और गरिमा दोनों का रेप हुआ है, मतलब दोनों का रेप किसी एक ही आदमी ने किया है। सर मीनल, गरिमा और चिराग के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से जो हेवी ब्लड लॉस हुआ था, उन तीनों की मौत उसी की वजह से हुई है। सर गरिमा और मीनल के लाशों के साथ भी क्रिमिनल ने रेप किया है। बहुत ही गंदी किस्म की मानसिकता इस अपराधी की, उसे बीमारी है नेक्रोफिलिया। इतने साल की नौकरी में पहली बार ऐसे घिनौने अपराधी से पाला पड़ा है। जरूर उसने पहले भी ऐसा कुछ किया होगा, और ऐसे गुनेगार एक गुना करके रुकते नहीं है, उन्हें इसकी लत लग जाती है। इससे पहले कि वो कोई और क्राइम करे हमें उसे पकड़ना ही होगा। हमारे एरिया के आसपास के सारे ब्रोथल्स, मुर्दाघर, सबको सर्च करो। ऐसे गुनेगार हमेशा ऐसी ही जगहों पर पाए जाते हैं, हमें कोई ना कोई क्लू तो मिलेगी ही। अपराधी की दरिंदगी से भरी मानसिकता को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई थी। ऐसे अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी था। अब बात सिर्फ एक केस की नहीं थी, क्योंकि अगर अपराधी को जल्द से जल्द ना पकड़ा गया तो वो अपनी वैशी ललक को पूरा करने के लिए कई मासूमों की जान ले सकता था। हाय विक्की। हाय रजिया, अंदर आओ, बैठो। नहीं थैंक्स। क्या हुआ विक्की, तुमने बात किया कॉलेज मैनेजमेंट से? हाँ की ना। क्या कहा उन्होंने? मेरा एडमिशन हो जाएगा ना? एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? मतलब? तुम बहुत ही घटिया इंसान निकले, और तुम्हें मैंने अपना दोस्त मानकर
बहुत बड़ी गलती की। आ जाओ बैठो। सर गरिमा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक गरिमा किसी शेखर नाम के आदमी के साथ रेगुलर टच में थी। हमने जब और पता किया तो कंफर्म हुआ कि गरिमा और शेखर के बीच अफेयर चल रहा था। शेखर, शेखर, किसी ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड और उसके माँ बाप का खून कर दिया और फिर भी तुम उसे देखने तक नहीं गए। मैं उसे मरा हुआ नहीं देख सकता था सर। शोक मनाने का सबका अपना तरीका होता है सर। लेकिन तुम तो उसके बहुत करीब थे। करीब? सर मैं प्यार करता था उससे। हम लोग शादी करने वाले थे। अच्छा शेखर मुझे ये बताओ कि क्या उसके पास्ट में कोई ऐसा था जो उससे इतनी नफरत करता हो कि उसका और उसके माँ बाप का खून कर सके? हाँ सर। कौन? चंदन। चंदन कौन? चंदन एक टैक्सी ड्राइवर है सर। गरिमा उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी लड़ रही थी। एक्चुअली चंदन ने अपनी टैक्सी से गरिमा को ठोकर मारी थी और एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि उसमें उसकी आंखें चली गई थी। एक सेकंड, मतलब गरिमा जन्म से अंधी नहीं थी? नहीं सर, उसी एक्सीडेंट में गरिमा की आंखें गई थी। अगर गरिमा केस जीत जाती तो चंदन को अपना सब कुछ बेच बाज कर गरिमा को मुआवजा देना पड़ता और इसीलिए वो उसको केस वापस देने के लिए धमकियां देता था। ए गरिमा, आखिरी बार समझा रहा हूँ, केस वापस ले ले। कौन? चंदन, पहचाना नहीं? नहीं लूंगी। अभी तो तेरी सिर्फ आंखें गई हैं, अगर नहीं लेगी ना तो जान से जाएगी। क्या बे, धमकी दे रहा है? धमकी नहीं दे रहा हूँ, अगर इसने केस वापस ले लिया ना। चंदन बहुत खतरनाक आदमी है सर, वो उसे खुलेआम धमकियां देता था। ये लो, मुंह मीठा करो। 17 जुलाई को तुम कहाँ थे? 17 जुलाई को याद नहीं साहब। 17 जुलाई को गरिमा और उसकी माँ का रेप हुआ, उन दोनों की हत्या हुई, गरिमा के पिताजी की भी हत्या हुई। तुम 17 जुलाई को गरिमा के घर पे थे ना? नहीं साहब। हाँ मुझे याद है साहब, 17 जुलाई को तो मैं देवास में था। अच्छा, कोई प्रूफ है? टोल नाका रसीद वगैरह? नहीं साहब, रसीद तो नहीं है। तुमने गरिमा पे टैक्सी चला दी थी, उसको मारना चाहते थे? नहीं साहब, गरिमा झूठ बोल रही थी, उसने मेरे खिलाफ झूठे गवाह और सबूत खड़े किए। साहब वो एक एक्सीडेंट था। इसका डीएनए टेस्ट करवाओ और गरिमा और मीनल की बॉडी पे मिले सीमेंट के साथ उसे मैच करके देखो। रोज नई जानकारियां मिल रही थी, नए संदिग्ध सामने आ रहे थे, पर इससे केस सुलझने की बजाय उलझता जा रहा था। मामले की पेचीदगी बढ़ती जा रही थी। चॉकलेट लेंगे आप? थैंक यू सर। वैसे गरिमा के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? सर शादी के बाद शुरू में सब बहुत अच्छा चल रहा था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन सर हम दोनों ही लॉयर थे और एक ही कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे, इसलिए पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों के बीच का प्यार कॉम्पिटिशन और राइवलरी में बदल गया। सर हम दोनों के बीच की गलत फहमियाँ इतनी बढ़ गई कि बात डिवोर्स तक पहुँच गई। लेकिन सर गरिमा के साथ जो हुआ वो सुनने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। शी डिजर्व बेटर। सारिका बता रही थी आपने गरिमा को धमकाया था। सर सारिका खुद अपनी शादी ठीक से नहीं संभाल सकती, वो मेरी शादी के बारे में क्या बताएगी? और सर ये सच है कि गरिमा के साथ सेपरेशन के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा था, पर सर हमारा रिश्ता धीरे धीरे ठीक होने लगा था। आपको क्या लगता है गरिमा को किसने मारा होगा? आपको किसी पर शक? सर जब गरिमा और मैं साथ थे तब शेखर नाम का एक लड़का गरिमा के काफ़ी करीब आने की कोशिश करता था, मुझे लगता है कि उसने ये सब किया होगा। और किसी भी कोई शक? नहीं सर, और किसी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। थैंक्स फॉर योर टाइम। सर सस्पेक्ट के लिस्ट में शेखर का भी नाम डाल दूं? दोनों पर नजर रखो, और ये विराज भाई साहब की कुंडी निकालिए। सर सर मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। प्लीज बढ़िया बढ़िया कहिए। सर मुझे लगता है गरिमा और उसके मम्मी पापा को मेरे हस्बैंड ने ही मारा है। तुम्हारे जैसे किराएदार मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी 4 महीने से ये ऑफिस का लीज खत्म हो चुका है ना, तो प्लीज
तुम छोड़ के जाओ ऑफिस। ये जगह मैं नहीं छोड़ूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़। मतलब लॉयर है मेरी बेटी, कोर्ट में केस करूंगा, समझा? ए, कोर्ट की धमकी किसे दे रहे? दिमाग फिर गया ना तो एक ही झटके में तेरी पूरी फैमिली काट डालूंगा। सर, उन्होंने मुझे भी धमकी दी थी कि पुलिस से झगड़े वाली बात छुपा के रखना, नहीं तो वो मुझे भी मार देंगे। सर, सर मुझे क्यों मार रहे हो सर? मैंने नहीं मारा है ना चिराग और उसकी फैमिली को? तेरी बीवी ने खुद हमें बताया कि तूने उसको धमकी दी थी। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो झूठ बोल रही है सर। सर मैंने किसी को नहीं मारा। डीएनए टेस्ट करवाओ इसका। सपने हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सपनों को ही हमारा गोल्स बना लेते हैं और गोल्स को अचीव करने के लिए हम वर्क हार्ड करते हैं। तो इन शॉर्ट सपने हमें एक बड़ा ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, जिसे हमारा करीबी रिश्ता हमारे मॉम डैड से है, वैसे ही फ्यूचर का सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता सपनों से है। हाय बेटा। हाय पापा। पापा आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा काम में था। खाना खाया आपने? नहीं बेटा, मैं खा लूंगा। आपने खाया? हाँ पापा। वेरी गुड। और होमवर्क किया? आज टीचर ने होमवर्क ही नहीं दिया। अरे वाह, लकी। ठीक है तो आज जल्दी सो जाना। नो मोर टीवी। ओके पापा, बाय। बाय पापा। सर ये आपसे मिलना चाहते हैं। साहब मेरा बेटा रोशन कल से घर नहीं आया, मोबाइल भी नहीं लग रहा उसका। मैंने सब जगह जाकर देखा, उसके दोस्तों से बात की, पर किसी को कुछ मालूम नहीं। कहाँ काम करता है आपका बेटा? रोशन आपके यहाँ काम करता है? हाँ, लेकिन क्यों, क्या हुआ? तो कल से घर नहीं आया तो उसके अब्बू बहुत परेशान हैं। लेकिन वो कल से यहाँ भी नहीं आया और हमारी कार भी उसी के पास है। कल से आपकी कार लेके गायब है तो फिर आप लोगों ने अभी तक कोई कंप्लेंट क्यों नहीं? सर वो हमारा बहुत भरोसे का ड्राइवर है, हमें लगा किसी जरूरी काम से गया होगा, आ जाएगा वापस, इसलिए नहीं लिखवाई रिपोर्ट। श्रीवास्तव सर, रोशन के मोबाइल का आखिरी लोकेशन ट्रेस करो। जैन सर। जैन, रोशन के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक हो गई है। सर यही लोकेशन, रोशन का फोन आखिरी बार इसी लोकेशन पे एक्टिव था, फिर स्विच ऑफ हो गया। सारे एरिया को अच्छे से चेक करना होगा। सर ये मोबाइल मिला, हम करेक्ट लोकेशन पे पहुंचे, तो हो सकता है ये रोशन का मोबाइल हो। अगर ये रोशन का मोबाइल है तो रोशन भी यहीं कहीं हो सकता है। अगर वो नहीं सही तो उसकी कोई चीज, ताबीज, कपड़े, जूते, कुछ भी यहाँ मिल सकता है। अच्छे से देखो। सर ये देखिए सर, एक और बॉडी पार्ट। मतलब जितने भी बॉडी पार्ट्स मिले रोड की बाईं तरफ मिले, और हर बॉडी पार्ट लगभग 500 मीटर की दूरी पर मिला है, और जहाँ पर भी बॉडी के पार्ट्स मिले वहाँ पे टायर के निशान भी है। शिवा सर ये रास्ता जाता है इंदौर की ओर, मतलब जिस किसी ने भी ये बॉडी के पार्ट्स फेंके वो गाड़ी इंदौर की ओर जा रही थी। सर ये तो रोशन का सर है, मुझे तो लगता है बाकी के बॉडी पार्ट्स भी रोशन के ही होंगे। श्रीवास्तव सारे के सारे बॉडी पार्ट्स पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और हर एक बॉडी पार्ट्स का अलग से पोस्टमार्टम डीएनए करवा। सर जोशी जी। सर कलेक्ट। यस सर। क्या मैं इस वक्त आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? आप रोशन से आखिरी बार कब मिली थी? सर मैं घर जा रही थी,
रोशन भाईजन मुझे रास्ते में दिखे, उन्होंने मुझे घर तक लिफ्ट दिया और एक आदमी उनसे मिलने आया और वो दोनों फिर साथ चले गए। चेहरा याद है आपको? उस टाइम मैं ठीक से देख नहीं पाई। चाचा, आप जानते थे कि आपका बेटा रोशन और उसकी मालकिन सारिका फोन पर घंटों बातें किया करते थे? सर, मुझे इन दोनों के अफेयर के बारे में शुरू से पता था और मुझे इस चीज से कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। सर, गाड़ी तो रोशन के पास ही थी, हो सकता है कार के लिए किसी ने उसको मार दिया। सारिका जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सर, अभी अभी मेरी बीवी को उसके बॉयफ्रेंड की मौत की खबर मिली है, बेचारी सदमे में है, बेहतर होगा आप इसे अकेला छोड़ दें। सर, कुछ तो गड़बड़ है, एक पति इतना कैजुअली अपनी ही पत्नी के बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है, उसे अपने बॉयफ्रेंड की मौत का मातम बनाने दे रहा है, कुछ अजीब नहीं लगता आपको? सर, विराज ने भी इनके रिश्ते के बारे में कहा था। सर, वो दोनों कुछ झूठ बोल रहे हैं। एक काम करो, हमारे किसी भरोसेमंद खबरी को बोलो इन दोनों पर नजर रखें। गरिमा, 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 गरिमा कहाँ है? मुझे उसे चॉकलेट देनी है। ये चिरक का मोबाइल तेरे पास कैसे आया? ये मेरा फोन है। सर, ये देखिए मेरे बेटे चिराग का मोबाइल, ये चिंटू के पास मिला। ये मोबाइल ठीक से चेक करो, हो सकता है ये केस सॉल्व करने के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सर, सर ये चिंटू हमारे पड़ोसी का बेटा है। सर, हमेशा गरिमा के पीछे पीछे घूमता था, उसे चॉकलेट्स भी देता। चॉकलेट का रेफर मिला है। सर, मुझे तो पक्का यकीन है इसने ही मेरे बेटे, बहू और पोती का मर्डर किया होगा। चिंटू, अरे चिंटू बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? सर, ये मेरा बेटा है, इसे क्यों बांध के रखा हुआ है? देखिए, चिराग जी का मोबाइल आपके बेटे चिंटू के पास मिला है, उसी के बारे में पूछताछ करनी है। चिंटू, तुम मुझे बताओगे कि ये मोबाइल तुम्हें कहाँ से मिला? वो पॉलिश वाला है ना, उसने कचरे में डाल दिया था, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं उठा लाया। पॉलिश वाले का पता लगा। सर, एक बार फोन दिखा के पूछ ही लेते। सर, यही वो पॉलिश वाला। खाएगा चॉकलेट? ये मोबाइल देख, अजंता इसे? जी साहब। चोरी किया? नहीं साहब, वो चिराजी जूते पॉलिश करवा रहे थे, उनकी जेब से गिर गया। मेरे मन में लालच आ गया तो मैंने उस पर कपड़ा डाल दिया और उनके जाने के बाद मोबाइल उठा के चलाने की कोशिश की तो मोबाइल चल नहीं रहा था तो मैंने उसे फेंक दिया। जोशी जी, इसका भी डीएनए टेस्ट करवा। अरे साहब, मैंने क्या किया साहब? बैठो अंदर, चल, सब पता चल जाएगा, चल। सर, चंदन के बैंक स्टेटमेंट्स आ गए। गरिमा के एक्सीडेंट के दूसरे ही दिन चंदन के अकाउंट में 2,00,000 कैश डिपॉजिट हुए थे। सर, सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि विराज का असिस्टेंट बैंक गया था पैसे डिपॉजिट करने। सर, सर प्लीज मारे मत, मैं बताता हूँ। सर, सर मैंने गरिमा से शादी तो कर ली थी लेकिन एक गड़बड़ हो गई। सर, हम दोनों लॉयर थे और मेरे सारे क्लाइंट्स गरिमा को प्रेफर करने लगे थे। मेरा करियर, मेरी रेपुटेशन सब स्टेक पे था। मैंने सोचा गरिमा के साए में रहने से अच्छा है कि मैं उसे डिवोर्स दे देता हूँ, लेकिन सर गरिमा ने उल्टा मेरे ऊपर केस कर दिया। सर, फिर सर मैंने सोच लिया कि मैं गरिमा को रास्ते से हटा देता हूँ। मैंने चंदन को पैसे दिए और मैंने उसे बोला कि एक्सीडेंट में उड़ा दे गरिमा को। सर, चंदन ने एक्सीडेंट तो किया लेकिन गरिमा बच गई। उस एक्सीडेंट में गरिमा अंधी हो गई, लेकिन सर उसके बाद गरिमा के घर पे गरिमा और उसके माता पिता का जो मर्डर हुआ है, सर सर उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। सारे बॉडी पार्ट्स रोशन के ही हैं सर, किसी भारी चीज़ से वार करने की वजह से रोशन की मौत हुई। मारने के बाद बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और बॉडी में अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले, विच मीन्स मरने से पहले उसने शराब पी रखी थी। रजिया के कहने के मुताबिक जब रोशन ने उसे ड्रॉप किया तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल था, फिर एक आदमी उसे मिलता है, उसके साथ वो कहीं बाहर जाता है। उस स्पॉट से लेकर जहाँ पे हमें रोशन की बॉडी का पहला पार्ट्स मिला वहाँ तक का डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर होगा। जी, मतलब उसी दौरान रोशन ने शराब पी होगी या खरीदी होगी। एक काम करो, उस एरिया के सारे वाइन शॉप और बार्स के सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाओ। सर, मिनल को छेड़ने वाले लड़कों में से एक लड़के घर वालों ने उज्जैन में पैसे भेजे थे और उज्जैन पुलिस की मदद से उन लोगों को गिरफ्तार भी किया।
सर और एक जरूरी बात, उन लड़कों के पास से वैसे चॉकलेट्स मिले जिनके रैपर्स मर्डर स्पॉट पे मिले थे। ऐसी चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना तुम लोगों को, खाओ जल्दी खाओ। अब बताओ तुम में से किसने गरिमा और मीनल का रेप करने के बाद चॉकलेट के ऐसे रैपर वहां पे डाले थे? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया तो फिर तुम लोग उज्जैन जाकर के छुपे थे? सर हमारी मीनल जी से कहा सुनी हुई थी और उसी रात उनका मर्डर हो गया था। हमें लगा सब लोग हम पर डाउट करेंगे, इसलिए हम उज्जैन जाकर छिपे रहे। श्रीवास्तव सर, इन सबको तब तक तोड़ो जब तक ये लोग सच नहीं बताते। सर उज्जैन से किसी महिला का फोन है जो सिर्फ आपसे ही बात करना चाहती है। नमस्ते, मैं सीनियर इंस्पेक्टर विजय शंकर बोल रहा हूँ। सर मैं उज्जैन से भागीरथी बोल रही हूँ। अखबार में सैनी परिवार की खबर पढ़ी। सर ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप खुद यहाँ गए। कुछ महीने पहले की बात है, घर में फर्नीचर का काम चालू था। काम छोड़ के चॉकलेट खाएगा तो काम कब पूरा करेगा? वो तो अच्छा हुआ कि मैं बच गई। उम्र क्या थी उसकी? यही कोई 35-40 साल। उस बंदे का स्केच बनवाने में आप हमारी मदद कर सकती हैं? जी। क्रिमिनल का नाम धर्मेश, माँ का नाम भागीरथी, पेशा कारपेंटर। एक्सक्यूज मी। हेलो, ओके थैंक यू। सर कबीर की गाड़ी इंदौर के पास मिली है। मतलब रोशन का कातिल भोपाल से इंदौर की ओर गया। इंदौर पुलिस को अलर्ट करो। सर सर एक वाइन शॉप की सीसीटीवी फुटेज से रोशन को एक आदमी के साथ में शराब खरीद देखा गया। यस, इसी की तलाश थी। यही है इन केसेस का क्रिमिनल। सर धर्मेश जी, अंदर का जो मेजरमेंट बोला था आपने ले लिया? हाँ। अच्छा मुझे है ना कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, तो मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। और कुछ भी लगता है ना जरूरत की चीज तो मुझे बता देना। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं फौरन आ जाऊंगी। हाँ सर यही है, सीधे तो हमारे घर का फर्नीचर बनाया था। इसका नंबर है आपके पास? हाँ है ना। इस नंबर को सर्विलेंस में डालो। सर कारपेंटर का लोकेशन ट्रैक हो गया, इंदौर में। मैडम अलमारी में लॉक बीच में लगेगा या ऊपर? भैया मैं अभी ड्राइविंग कर रही हूँ, बस एक 10 मिनट में घर पहुँच रही हूँ। मैं आके आपको बताती हूँ, ठीक है? ठीक है मैडम, आ जाओ। हेलो सर, लगभग सारे घर चेक कर लिए जहाँ पे वो हो सकता था, लेकिन अभी सिर्फ 2 घर बचे हैं। ठीक है, मुझे वहाँ का लोकेशन भेजिए। सर यही वो लोकेशन है जहाँ पे वो कारपेंटर धर्मेश होगा। जोशी जी आप इनके साथ यहीं रुके, तुम दोनों चलो मेरे साथ। कर रहा हूँ ना। मैं कुछ नहीं किया साहब, मैं कुछ नहीं किया। रुक जा, अबे रुक, रुक जा, रुक। श्रीवास्तव बताता हूँ सब, सब बताता हूँ। मैंने करीमा के घर में फर्नीचर का काम किया था साहब, तभी से वो मुझे बहुत पसंद आ गई थी। मैं उस रात गया था उनसे प्यार करने, पर साला बाप भी था, मारना पड़ा, सबको मारना पड़ा। मारने के बाद क्या किया?
मारने के बाद प्यार किया। मुझे ना साहब औरतों की लाश बहुत अच्छी लगती है। औरतें विरोध करती है ना तो रेप करना पड़ता है, लाश विरोध नहीं करती तो रेप भी नहीं करना पड़ता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तेरे जैसा घिनौना अपराधी नहीं देखा। रोशन कभी तूने मारा ना? नहीं साहब। मारा साहब मतलब मारना पड़ा। मैंने रोशन के मोबाइल में सारिका की फोटो देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, चाहिए थी। फिर मैंने रोशन से दोस्ती की ताकि सारिका की जानकारी निकाल सकूं। एक दिन जब सारिका की जानकारी लेने के लिए मैंने उससे बात किया तो बाबला होके मुझसे झगड़ा करने लगा, तो मुझे मारना पड़ा। वैसे तो तेरे जैसे अपराधी के लिए कोई भी सजा कम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुझे फांसी की सजा हो। विश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन बंद आंखों से किए गए विश्वास के लिए कई बार बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर परिवार के लोग थोड़ी सतर्कता दिखाते, ऐसे दरिंदों की नजरों में छिपी घिनौनी मंशा को भांप लेते तो आज कई बेगुना बच सकते थे। तो आइए हम सब इस केस से एक सबक लें कि जहां जरूरी है वहां हम विश्वास जरूर करेंगे, लेकिन खुली आंखों से। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।